कौन? हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन. चर्च, विलेज चर्च, यस. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, है ना? कैसा लग रहा है? हम लोग भले गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन आज यूथ लोगों का जो डेकोरेशन है आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है. इन्हें बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है. क्या हमारे जीसस जिनका आज जन्म हुआ है, आप देख सकते हैं, ये क्रिब ऑफ जीसस क्राइस्ट देख सकते हैं. जीसस का जन्म अभी कुछ ही समय पहले हुआ है. ये हम लोग ऑलरेडी सारे लोग अभी डांस में लगे हुए हैं. और छोटा सा, हाँ बोलिए, आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्रिसमस का? यस यस, आप सबों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. सभी मस्त रहिए, मस्त रोटी खाइए, खुश रहिए. वे है दीदी जी, सभी लोग खुश रहिए, है ना? चलिए, तो ये रहा हमारा गांव का चर्च. डेकोरेशन बहुत अच्छा है ना दीदी, है? क्या कहते बोलो? बिल्कुल भी. हाँ, बहुत अच्छा है. देख, इस तरह से कुछ हमारा चर्च दिखता है. तो यहाँ से प्रीस्ट एड्रेस करते हैं. यहाँ से आप तो ये देख सकते हैं हमारा चर्च, ये प्रीस्ट का आसन. सभी लोग क्रिसमस के नाते में और यहाँ से यानी कि आप लोगों को एड्रेस करते हैं. मुझसे कहा तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर. मुक्तिदाता के आगमन पर खुशियों में डूबी हुई है. हमारे हृदय को दग दग करने वाली क्रिसमस गीतों की मधुर ध्वनि हमारे मन को आनंदित कर रही है. कल्पना कीजिए, जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने बेतलहम की उस नन्ही से चरनी में जन्म लिया था और सारी दुनिया को अपने दैविक उपस्थिति से भर दिया था. कैसा अनोखा ईश्वर के शब्दों के द्वारा. हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. खुश रहिए, मस्त रहिए, टिल द दिसंबर एंड टिल 31st.